बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीक लास्ट क्लास के अंदर जो हमने पढ़ा था, दैट वाज द स्केलिंग टेस्ट एंड देन देयर वाज एडिटिव डोमिनेंस मॉडल टू आइडेंटिफाई द एडिटिव एंड डोमिनेंट कंपोनेंट्स एंड स्केलिंग टेस्ट टू वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन। ठीक है जी। दो चीजें हमने लास्ट वीक की थी, एक तो हमने एडिटिव डोमिनेंस मॉडल किया था और दूसरा हमने स्केलिंग टेस्ट किया था। स्केलिंग टेस्ट क्यों यूज किया जाता है? जस्ट टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस। ऐसी है भाई? जी सर। ओके जी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज रिगार्डिंग स्टेबिलिटी एनालिसिस। ये स्टेबिलिटी एनालिसिस होता क्या है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इनिशिएट करते हैं जी। आप लोगों को ये जो इस पेज पे लिखा हुआ है ना, ये हम पहले भी बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। फिनोटाइप इज ऑलवेज इक्वल टू जीनोटाइप, एनवायरमेंट एंड जी इनटू ई का मतलब है जीनोटाइप और एनवायरमेंट का इंट्रैक्शन। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे जीन टू ई जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है कि जब हम किसी जीनोटाइप को डिफरेंट इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं तो हर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जीनोटाइप की परफॉर्मेंस डिफरेंट हो जाती है। ठीक है जी, राइट। सो हमें ऐसी जीनोटाइप्स चाहिए जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर ज्यादा डिपेंड ना करें, यानी कि वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर सेम परफॉर्मेंस दें, राइट। अब ये आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट की टाइप्स कितनी कितनी हैं और इन्वायरमेंट्स के अंदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इन्वायरमेंट जैसे आपको पता है कि उसके अंदर एक तो बायोटिक फैक्टर होते हैं और एक नॉन बायोटिक फैक्टर होते हैं। इसके अलावा एक और इसकी क्लासिफिकेशन है जो कि जिसको कहते हैं प्रिडिक्टेबल फैक्टर्स और अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स। प्रिडिक्टेबल फैक्टर्स है जैसे कि ह्यूमन का कंट्रोल है, प्लांटिंग डेट है, रो स्पेसिंग है, न्यू एप्लीकेशन हमने को यूज की है, सो दैट इज दोज आर ऑल्ड प्रिडिक्टेबल फैक्टर्स। देन देयर आर सर्टन अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स जो कि आपको नहीं पता कि कब आ जाए, लाइक रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, राइट। सो दे आर अनप्रिडिक्टेबल। ऐसे ही इन्वायरमेंट की आप कह सकते हो कि दो और क्लासिफिकेशन हैं जिसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट की दो टाइप्स हैं, नंबर वन मैक्रो इन्वायरमेंट और दूसरा माइक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है जी। अब मैक्रो मीन्स लार्जर, सो मैक्रो इन्वायरमेंट आर दोज इन्वायरमेंट्स, आर दोज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हुज इफेक्ट इज इजीली डिटेक्टेबल। मैक्रो इन्वायरमेंट क्या है, कैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनका इफेक्ट जो है वो इजीली डिटेक्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर आपने दे दिया, आपको फौरन से पता चल जाएगा दो तीन दिन के अंदर कि उसने इफेक्ट कुछ किया प्लांट के ऊपर। ऐसे ही प्लांटिंग डेट्स हैं, प्लांटिंग स्पेस है, इरिगेशन है, सो दीज आर मैक्रो इन्वायरमेंट्स। देन देयर आर माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट आर दोज changes which are not easily detectable. For example, humidity, temperature. अगर temperature एक आध दिन के लिए increase हो भी जाए तो वो बहुत ज्यादा larger effect नहीं plant के ऊपर पड़ता, right? वो कम effect पड़ता है, तो वो बहुत easily identify नहीं है, तो उसको micro environment कहते हैं। So हमने अभी तक environment की दो different types पढ़ी, पहले थी predictable और unpredictable, और उसके बाद टाइप्स थी मैक्रो इन्वायरमेंट और माइक्रो इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट्स की टाइप्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज वी वांट टू चेक द जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन इन दीज इन्वायरमेंट्स। तो हमें इन्वायरमेंट का पता होगा तभी हम देख सकेंगे कि कहाँ पे कौन सा इन्वायरमेंट इफेक्ट कर रहा है, कहाँ पे कौन सा इफेक्ट कर रहा है, कहाँ पे कौन सा इफेक्ट कर रहा है, राइट। अच्छा जी, अब इन तमाम इन्वायरमेंट्स के अंदर अच्छे से परफॉर्म करके प्रोडक्शन देना दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। एक होता है अडेप्टेबिलिटी और एक होता है अडेप्टेशन।
क्या डिफरेंस है इनमें, कुछ है डिफरेंस? अडैप्टेबिलिटी तो एबिलिटी हो जाएगी ना। एबिलिटी हो जाएगी जस्ट उसकी सरवाइव करने की, और अडेप्टेशन जो उसने एबिलिटीज अडॉप्ट कर चुका है और उसकी वजह से उसके अंदर जो चेंजेस आ चुकी हैं फॉर द बेटर सर्वाइवल, दोज आर कॉल्ड अडेप्टेशन। ठीक है ना? ओके अच्छा जी, अब अडेप्टेशन की टाइप्स हैं कुछ। पहली है स्पेसिफिक जीनोटिपिक अडेप्टेशन, दूसरी है जनरल जीनोटिपिक अडेप्टेशन, तीसरी है स्पेसिफिक पॉपुलेशन अडेप्टेशन, चौथी है जनरल पॉपुलेशन अडेप्टेशन। क्या डिफरेंस हो सकता है इनमें, इन चारों टाइप्स की अडेप्टेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं? स्पेसिफिक जीनोटिपिक अडेप्टेशन का क्या मतलब बनेगा? के जो जीनोटाइप की वजह से हो? नो, ऐसी अडेप्टेशन जो जीनोटिपिक लेवल पे हो और किसी स्पेसिफिक जीन के अंदर हो। जी सर, फॉर एग्जाम्पल हाइट का जीन है। जी बोलो सर। जो यानी कि आपने ये कहा कि स्पेसिफिक जीन लेवल पर, जब जीनोटाइप में होगी तो सर वो जाहिर सी बात है वो जीन में ही होगी, तो फिर वो सर स्पेसिफिक वाली बात ही नहीं आती इसमें। तो इसमें इस तरह से है, स्पेसिफिक और जनरल में डिफरेंस ये है कि स्पेसिफिक के अंदर किसी एक जीन को वो अडेप्टेशन अफेक्ट करेगी, किसी एक जीन को, और जनरल के अंदर एक से ज्यादा जीन्स को अफेक्ट करेगी, ओवरऑल अफेक्ट करेगी। सर अडेप्टेशन अफेक्ट करेगी, जो अडेप्टेशन वो कर चुका है वो किस लेवल पे हो रही है। अगर तो एक जीन ने अडेप्ट किया जस्ट, तो वो स्पेसिफिक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा जीन्स ने अडेप्ट किया है तो वो जनरल है। ओके सर। ऐसे ही अगर सिर्फ एक ट्रेट ने अडेप्ट, अगर एक ट्रेट की आप कह लें कि लेवल पर अडेप्टेशन आई है, तो वो स्पेसिफिक पॉपुलेशन अडेप्टेशन है, और अगर पूरी की पूरी पॉपुलेशन ने या पूरे के पूरे तमाम आप कह लें कि ट्रेट्स के अंदर वो अडेप्टेशन आई है, तो वो जनरल अडेप्टेशन होगी, जनरल पॉपुलेशन अडेप्टेशन होगी। राइट सर, अगर स्पेसिफिक जीन में होगी तो वो स्पेसिफिक ट्रेट में भी तो होगी ना अडेप्टेशन। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, जीनोटिपिक स्पेसिफिक जीनोटिपिक का मतलब ये है कि वो उस जीन में अफेक्ट चेंज आई है, जीन ने अडेप्ट किया है तब जो है ना वो ट्रेट चेंज हुआ है, लेकिन स्पेसिफिक पॉपुलेशन जो है उसमें ट्रेट को अफेक्ट हुआ है, ट्रेट ने अडेप्ट किया है, जीन वहां का जीन चेंज नहीं हुआ, जीन वहां का वहां ही है, स्पेसिफिक पॉपुलेशन। स्पेसिफिक पॉपुलेशन अडेप्टेशन का मतलब है कि किसी एक ट्रेट ने अडेप्ट किया है, राइट, और वो जो एक ट्रेट ने अडेप्ट किया है वो जेनेटिक लेवल पर अडेप्ट नहीं किया। आप लोगों को याद होगा लास्ट सेमेस्टर में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी का। जी सर। क्या होता है वो सर? वो एक जो जीनोटाइप है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में सेम परफॉर्म करती है। जी अच्छा, क्यों कैसे परफॉर्म करती है? जीनोटाइप चेंज होती है? नहीं होती ना, जस्ट जस्ट फिनोटाइप चेंज होती है अंडर डिफरेंट एनवायरनमेंट, ऐसा ही है जी। तो ये एक्चुअली वही कहानी है, ये जो स्पेसिफिक अडैप्ट स्पेसिफिक पॉपुलेशन अडैप्टेशन है ये वही कहानी है। तो जनरल में क्या होगा? जनरल एक से ज्यादा ट्रेट अफेक्ट कर सकते हैं, जनरल और स्पेसिफिक में यही डिफरेंस है। स्पेसिफिक में किसी स्पेसिफिक ट्रेट या जीन की बात होगी, जनरल में ओवरऑल प्लांट की बात होगी। जीनोटिपिक के अंदर जीनिक लेवल पे होगी और पॉपुलेशन मतलब फिनोटिपिक लेवल पे होगी। समझ आ गया ना? सर ये वही टॉपिक है जो हमने पहले भी ये पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं। अच्छा, अडेप्टेबिलिटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? हेट्रोजिनिटी, जितनी हेट्रोजिनिटी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा चांस होंगे अडेप्टेबिलिटी के। हेट्रोजाइगोस्टी, जितनी हेट्रोजाइगोस्टी ज्यादा होगी उतने अडेप्टेबिलिटी के चांस ज्यादा होंगे। क्यों भला? हेट्रोजाइगोस्टी का मतलब है एक से ज्यादा अलील का प्रेजेंट होना,
अगर यस एक सर। से ज्यादा सर अलील होंगे, हेट्रोजिनिटी की वजह से तो नहीं हो सकता क्यों? हेटरोजेनिटी सर का वो मतलब है। है, हेटरोजेनिटी का मतलब यस है कि सर फिनोटिपिकली डिफरेंट प्लांट मौजूद है, ऐसे ही है ना? यस सर तो अगर फिनोटिपिकली डिफरेंट प्लांट मौजूद हैं तो उस पॉपुलेशन में से चांसेस हैं कि कुछ प्लांट्स बच जाए। अडेप्टेशन सर क्या अगर है? उसकी जगह पर हेट्रोजिनिटी की बात की जाए तो यानी कि अगर हम हेट्रोजाइगोसिटी जब कह रहे हैं तो सर हाँ, ये टर्म इसी में नहीं आ सकती है। हेटरोजेनिटी एक्चुअली फिनोटिपिक बेसिस पे होती है, जीनोटिपिकली नहीं होती। हेटरोजाइगोसिटी जीनोटिपिकली होती है। सर लेकिन होगी तो उसी की वजह से जीनोटाइप की वजह से ही होगी। नहीं, कोई लाजमी नहीं है। अभी हमने बात की है कुछ देर पहले फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी की, पॉसिबिलिटी ओके सर है ना? पॉसिबिलिटी है यस सर फिनोटिपिक यस प्लास्टिसिटी की, सर पॉसिबिलिटी है कि एक प्लांट को थोड़ी सी डिफरेंट एनवायरनमेंट मिली तो उसकी हाइट डिफरेंट हो गई, दूसरे को डिफरेंट मिली उसकी हाइट छोटी रह गई। ओके, थर्ड वन इज जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है कि एक ही प्लांट के अंदर डिफरेंट जेनेटिक शेप्स मौजूद हो या डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रक्चर्स मौजूद हो, जैसे कि ओपीवीज में होता है कि हर प्लांट जो है ना वो डिफरेंट पॉसिबिलिटी उसकी होती है कि वो डिफरेंट हो, जीनोटिपिकली डिफरेंट हो। जितनी ज्यादा जीनोटाइप्स कंबाइन हुई होंगी उतना ज्यादा उस पॉपुलेशन के पास एडवांटेज होगा कि वो अडेप्ट कर सके। नेक्स्ट है मोड ऑफ पॉलिनेशन। सो आपको पता होगा कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो अडेप्टेबिलिटी को ज्यादा बेनिफिट देता है, अडेप्टेबल प्लांट ज्यादा हो सकता है अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो। उसकी वजह क्या है? जब भी क्रॉस पॉलिनेशन होती है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कम होता है, हाइब्रिड विगर इंक्रीज होती है, प्लांट की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। लेकिन ये हम उनकी बात कर रहे हैं जो यस क्रॉस सर पॉलिनेटेड है, राइट? सो मोड ऑफ पॉलिनेशन भी अफेक्ट करेगा अडेप्टेबिलिटी को, ठीक है जी? अब ये जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेशन, एनवायरमेंट, जीनोटाइप इनटू एनवायरमेंट इंटरेक्शन, ये हम इसलिए डिस्कस किए ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि एक जीनोटाइप डिफरेंट एनवायरमेंट्स में कैसे परफॉर्म कर सकती है। तो उसके लिए एक एनालिसिस है जिसका नाम है स्टेबिलिटी एनालिसिस। स्टेबिलिटी एनालिसिस जो है वो हमेशा एक जीनोटाइप को डिफरेंट एनवायरमेंट्स में उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए यूज होता है, ठीक है जी? और स्टेबिलिटी इटसेल्फ है क्या कि एक जीनोटाइप डिफरेंट एनवायरमेंट्स के अंदर सेम परफॉर्म करे या अच्छा परफॉर्म करे, राइट? सो ये एनालिसिस है जो कि एक इसके अंदर एक जीजीई या जीनोटाइप इनटू एनवायरमेंट का इंटरेक्शन भी हम निकालते हैं। एक इसके अंदर बाईप्लॉट होता है, बाईप्लॉट किया हुआ है ना आप लोगों ने पहले भी? बाईप्लॉट एनालिसिस हम लोगों ने किया हुआ है पहले भला? नो सर देख लो, सर नहीं किया बाईप्लॉट, बाईप्लॉट एनालिसिस नहीं किया? नो। ओके, चले, मेरे ख्याल में 7th वालों ने किया होगा, आपके सीनियर बैच ने, मुझे ये ध्यान में आ रहा था कि आप लोगों ने भी किया होगा। चलें, ओके जी। सो स्टेबिलिटी एनालिसिस की समझ आ गई है ना? स्टेबिलिटी एनालिसिस क्या है एक्चुअली, कि एक जीनोटाइप की डिफरेंट एनवायरमेंट्स के अंदर उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी एनालिसिस। स्टेबिलिटी एनालिसिस के जो है ना वो इसके अंदर 4 डिफरेंट मॉडल्स है जिनके जरिए हम स्टेबिलिटी एनालिसिस निकाल सकते हैं। पहला है जी फिनले एंड विल्कन्स मॉडल, इनमें से हम एक जो है ना वो करेंगे, ठीक है जी? जो के है जीजीई बाईप्लॉट एनालिसिस, या जिसको हम सिंपल बाईप्लॉट एनालिसिस भी बोलते हैं। ये जो 4 मॉडल्स हैं इनको हम जस्ट एक एक लाइन में डिस्कस करके तो आगे मूव करते जाएंगे। फिनले एंड विल्कन मॉडल, एबनहार्ट एंड रसल मॉडल, पर्किन एंड जिंक्स मॉडल और फ्रीमैन एंड पर्किन्स मॉडल, राइट? सो पहले है फिनले मॉडल। फिनले मॉडल के अंदर 2 पैरामीटर हम यूज करते हैं, नंबर 1 मीन परफॉर्मेंस ऑफ प्लांट्स और नंबर 2 रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी को पता है भाई? एनीवन नो सर अमंग यू कैन डिफाइन रिग्रेशन? रिग्रेशन तो आप लोगों को आता है यार, नहीं आता? अच्छा चलो, कोरिलेशन का सुना होगा कभी? कोरिलेशन क्या होता है?
जी जी बोले कोरिलेशन का सुना हुआ पहले कभी? सर कोरिलेशन तो होता है कि टाइम से पहले स्टॉप करना क्या होता है सर, एक दूसरे पे डिपेंड करती हो, वो तो कोरिलेशन होता है। हाँ ऐसा तो नहीं होता यार, कोरिलेशन क्या होता है? मतलब एक चीज दूसरे से रिलेट करती है। कोरिलेशन का मतलब है द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। और रिग्रेशन जो है, रिग्रेशन कोरिलेशन की टाइप है, लेकिन रिग्रेशन के अंदर एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। द डिपेंडेंसी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। रिग्रेशन के अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है सिर्फ वही इंडिपेंडेंट पे जो ना वो उसको उस पे उससे इफेक्ट होगा, जो इंडिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट से इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी, ये भी चला फिनोटाइपिंग ही हुई है तो फिनोटाइपिंग ही, डेफिनेटली फिनोटाइपिंग है। फिनोटाइपिक बेसिस के ऊपर हम टेस्ट करते हैं दो ट्रेट्स को कि एक ट्रेट दूसरे के ऊपर कितना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, कितना ज्यादा डिपेंड कर रहा है, दैट इज रिग्रेशन। तो ये जो मॉडल है ये दो चीजें यूज करता है, नंबर वन मीन, डिफरेंट जीनोटाइप्स का डिफरेंट एनवायरमेंट्स के अंदर मीन परफॉर्मेंस, और दूसरा रिग्रेशन क्या है उसका। ठीक है जी, रिग्रेशन एनालिसिस क्या है कि एक जो जीनोटाइप है वो किस एनवायरमेंट पे डिपेंड कर रहा है। सो ये दो चीजें फिनले एंड विल्कन मॉडल यूज करता है। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं एबनहार्ट एंड रसल मॉडल। एबनहार्ट एंड रसल मॉडल जो है उसके अंदर हम इन्वायरमेंट प्लस जीनोटाइप इंटू इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन दो चीजें हम निकालते हैं, और इनको हम तीन आगे फर्दर तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। पहले इन्वायरमेंटल कंपोनेंट, दूसरा जीन टू ई कंपोनेंट, और तीसरा पूल्ड डेविएशन। पूल्ड का मतलब यह है जिसमें इन्वायरमेंट भी इंक्लूड होता है और इंट्रैक्शन भी इंक्लूड होता है, दोनों इंक्लूड होते हैं। इसके जो है फीचर्स क्या है कि ये एक तो मीन यूज करता है, दूसरा रिग्रेशन यूज करता है, और तीसरा ये डेविएशन फ्रॉम रिग्रेशन यूज करता है। इसके अंदर एक तीसरा कंपोनेंट भी हमें निकालना पड़ता है। फिनले और विल्कन जो है वो दो कंपोनेंट यूज करते हैं, और एबनहार्ट एंड रसल का मॉडल कितने कंपोनेंट यूज करता है? तीन कंपोनेंट, नंबर वन मीन, नंबर टू रिग्रेशन, और नंबर थ्री डेविएशन फ्रॉम रिग्रेशन। उसके बाद है परकिंस। परकिंस भी वही तीन चीजें निकालता है, जीनोटाइप, एनवायरमेंट और इंट्रैक्शन का निकालता है। और इसके अंदर जो है जो अपना जीन टू ई है वो फर्दर डिवाइड होगा हेट्रोजेनिटी ड्यू टू रिग्रेशन में, और सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिमाइंडर में। एक्चुअली ये जो कंपोनेंट्स बता रहा है ना, ये उनके जो हम एनालिसिस जब हम करेंगे तो एनालिसिस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट, एसओवी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं। एसओवी क्या होता है पता किसी को? सोर्स ऑफ वेरिएशन, राइट। तो ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं ये एक्चुअली सोर्स ऑफ वेरिएशन की बात कर रहा है कि किस कंपोनेंट के अंदर कौन से सोर्स ऑफ वेरिएशन यूज होते हैं। तो जस्ट आपने एक एक लाइन में इनको याद कर लेना, इनको डीपली हम इसलिए स्टडी नहीं कर रहे क्योंकि हमने इनको डिटेल में जब हम करेंगे तो हम देखेंगे, अभी के लिए आपने जस्ट इनको एक एक लाइन में देखना है। अच्छा जी, लास्ट वन जो है फ्रीमैन है। फ्रीमैन ने भी वही तीन चीजें निकालनी है, जीनोटाइप, एनवायरमेंट और इंट्रैक्शन। लेकिन इसके अंदर जो एनवायरमेंट है वो दो चीजों में डिवाइड हो रहा है, नंबर वन रिग्रेशन और नंबर टू रेजिडुअल। रेजिडुअल जो होता है, रेजिडुअल हमेशा हम कहते हैं जैसे हम एरर निकालते हैं ना एनोवा के अंदर, तो रेजिडुअल एक्चुअली वही एरर है। ठीक हो गया जी, इसी तरीके से ये जो जी जी सर ये जो रेग्रेशन है ये फिर हम निकालते क्यों जब एक वेरिएबल दूसरे पे मतलब दूसरा इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंड करता है? यस, अब एनवायरमेंट है ठीक है ना, एनवायरमेंट तो जीनोटाइप पे डिपेंड नहीं करता ना, जीनोटाइप एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है। तो इसलिए जब एनवायरमेंट और जीनोटाइप के दरमियान हम कोरिलेशन देखेंगे तो हम रिग्रेशन हमेशा एनालिसिस करेंगे।
ठीक है ना, बिकॉज जीनोटाइप इज डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन जीनोटाइप. ओके ऑलराइट. सो फ्रीमैन एंड पर्किंस के अंदर जो जो वेरिएशंस है, एक तो जीनोटाइप होगी, एक एनवायरमेंट होगी और एक जीन टू ही होगी. उसके बाद फर्दर जो एनवायरमेंट है वो अगेन दो में डिवाइड होगा, दो वेरिएशन में डिवाइड होगा, नंबर वन रिग्रेशन और नंबर टू रेजिजुअल वन. इसी तरीके से जो इंट्रैक्शन है वो भी दो में डिवाइड होगा, वो कौन कौन सी होंगी, नंबर वन होमोजिनिटी ऑफ रिग्रेशन और नंबर टू रेजिजुअल. यानी के फ्रीमैन एंड पर्किंस का जो मॉडल है उसमें दो दफा आपको एरर निकालनी पड़ेगी. अभी तक आपने जितने भी एनोवास किए हैं उसमें कितनी एरर निकलती है, एक ही निकलती है ना, लेकिन इस मॉडल के दौरान दो टू टाइम्स आपको एरर, दो डिफरेंट एरर निकालनी पड़ेगी, एरर वन और एरर टू. राइट. सो ये इन चारों मॉडल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अगर आप गौर करें तो जो चारों मॉडल हैं, ये चारों मॉडल जो है वो जीनोटाइप इनटू एनवायरमेंट का इंट्रैक्शन लाजमी निकालते हैं. अब इसी इंट्रैक्शन को लेके रिग्रेशन निकालते हैं और रिग्रेशन से हम कह सकते हैं कि कौन सी जीनोटाइप किस एनवायरमेंट के अंदर स्टेबल परफॉर्म कर रही है. ओके जी, ठीक है जी. अच्छा, इन चारों मॉडल्स के अलावा एक और दूसरा मॉडल है जिसका नाम है एमई मॉडल, AMMI. AMMI मॉडल जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनोवा एंड द जीनोटाइप इनटू एनवायरमेंट इंटरेक्शन. ठीक है जी. एमई मॉडल के अंदर जो दो चीजें हम निकालते हैं, नंबर वन एनोवा, एक तो हम एनोवा निकाल लेते हैं, और नंबर टू जीनोटाइप इनटू एनवायरमेंट इंट्रैक्शन निकालते हैं. ठीक हो गया जी, समझ आ गया. ये जो मॉडल है इसको परफॉर्म करने के लिए हम हमेशा बाई प्लॉट्स बनाते हैं. बाई प्लॉट्स का मतलब है दो प्लॉट. बाई प्लॉट का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है दो प्लॉट्स, दो प्लॉट्स, दो प्लॉट्स का मतलब ये है कि पहला प्लॉट है जीनोटाइप का, ये फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि ये एक प्लॉट है, इस प्लॉट के अंदर ये जीनोटाइप लिखी हुई है. राइट. अब इसी के ऊपर मैं एक और प्लॉट लगा दूं, एक सेकंड प्लॉट लगा दूं, और उसके ऊपर मैं एनवायरमेंट का, एनवायरमेंट की लोकेशन लिख दूं, तो ये कितने प्लॉट हो गए, दो प्लॉट हो गए ना. राइट. तो अब इन दोनों प्लॉट्स को आमने सामने रख के मैं चेक कर सकता हूँ कि कौन सा एनवायरमेंट किस जीनोटाइप के पास है और कौन सी जीनोटाइप किस एनवायरमेंट के पास है. जब मुझे ये पता चल जाएगा तो देन आई कैन से कि जीनोटाइप नंबर वन इज बेटर इन एनवायरमेंट वन और जीनोटाइप नंबर वन इज स्टेबल इन एनवायरमेंट नंबर वन. ठीक हो गया, समझ आ गया. सर ये जो जीनोटाइप इनटू एनवायरमेंट इंटरेक्शन है ये एनोवा से भी चल सकता है. एनोवा से उसका जस्ट ये पता चल सकता है कि जीनोटाइप इनटू एनवायरमेंट इंटरेक्शन है, लेकिन किस जीनोटाइप का किस एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो आइडेंटिफाई करने के लिए बाई प्लॉट लाजमी है. तो ये बाई प्लॉट में फिर जीनोटाइप हम डिफरेंट एनवायरमेंट में लगाएंगे ना. डेफिनेटली. हर जीनोटाइप को, अगर छह जीनोटाइप हैं और चार एनवायरमेंट हैं, तो छह जीनोटाइप हर एनवायरमेंट में लगेंगे. इनके टोटल आपके पास ट्रीटमेंट जो है वो 24 हो जाएगी. राइट. ये एनालिसिस हम परफॉर्म करेंगे अगली क्लासेस के अंदर ना, आगे बाईप्लॉट एनालिसिस हम शुरू कर लेंगे. आज की क्लास के अंदर जो है ना, वो जस्ट इसका स्टेबिलिटी एनालिसिस का थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देना था कि स्टेबिलिटी एनालिसिस एक्चुअली है क्या. स्टेबिलिटी एनालिसिस क्या है कि जो जीनोटाइप है वो आपको पता है कि एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करती है. अब एनवायरमेंट जो है वो दो तरह का होता है, उसके अंदर जो फैक्टर्स हैं वो दो तरह के हैं. एक जो फैक्टर्स हैं वो प्रिडिक्टेबल है, दूसरे नॉन प्रिडिक्टेबल है. ऐसे ही एनवायरमेंट्स की टाइप्स हैं, एक मैक्रो एनवायरमेंट है और दूसरा माइक्रो एनवायरमेंट है. अब इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स के अंदर जब जीनोटाइप्स को ग्रो किया जाता है तो जीनोटाइप करती है अडेप्ट, अडेप्टेशन आती है उसमें. अब उसकी चार टाइप्स हैं, एक है स्पेसिफिक जीनोटिपिक, दूसरी है जनरल जीनोटिपिक, देन स्पेसिफिक पॉपुलेशन और दूसरी जनरल पॉपुलेशन अडेप्टेशन. अब उसको चार फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, हेटरोजाइगोसिटी, हेटरोजेनिटी, जीनोटिपिक पॉलीमॉर्फिज्म और फाइनल के ऊपर आखिर वाला था मोड ऑफ पॉलिनेशन. ठीक हो गया जी. सो ये चीजें अडेप्टेशन को अफेक्ट करती हैं.
हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने ये टेस्ट करना है कि एक जीनोटाइप अक्रॉस द एनवायरमेंट्स कैसा परफॉर्म करती है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम एक्सपेरिमेंट प्लान करेंगे या जो हम एनालिसिस करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी एनालिसिस। स्टेबिलिटी एनालिसिस जो है वो उसके चार डिफरेंट वेज हैं, ठीक है जी। कौन कौन से हैं जी? पहला वे जो है फिनले एंड विल्कंस का है, उसके बाद एबनहार्ट एंड रसल का है, उसके बाद पर्किंस एंड जिंक्स का है, और उसके बाद फ्रीमैन एंड पर्किंस का है। तो ये चार डिफरेंट मॉडल्स हैं। हर मॉडल जो है वो डिफरेंट चीजें यूज करता है। पहला मॉडल दो चीजें यूज करता है, दूसरा मॉडल तीन चीजें यूज करता है, ठीक है। जीनोटाइप, उसका इंट्रैक्शन और इन्वायरमेंट, और उसके बाद वो पूल भी उसका करता है। अगला इन्वायरमेंट जो है वो जीनोटाइप, इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट का इंट्रैक्शन निकालने के साथ रिग्रेशन को भी ऐड करता है। जो लास्ट वाला मॉडल है वो जीनोटाइप, इन्वायरमेंट और जी इन टू ई के साथ रिग्रेशन और होमोजेनिटी ऑफ रिग्रेशन, ये चार पांच छह चीजें यूज करता है, ठीक है ना। सो हर मॉडल की अपने डिफरेंट स्पेसिफिकेशन है, जस्ट आपने दो दो लाइन में इनको आपने याद करना है। हम जो मॉडल यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एमई मॉडल, AMMI मॉडल। एमई मॉडल एक्चुअली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनोवा एंड जीनोटाइप इनटू एनवायरमेंट इंटरेक्शन। पहले हम एनोवा लगाएंगे, ये कंफर्म करेंगे कि जी इंटू ई जो है इंटरेक्शन मौजूद है या इंटरेक्शन सिग्निफिकेंट है। जब ये पता चल जाएगा तो उसके बाद हम करेंगे बाई प्लॉट। बाई प्लॉट एक्चुअली क्या है कि ये दो डिफरेंट प्लॉट्स हैं, एक जीनोटाइप का दूसरा एनवायरमेंट का, इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइन करने से ये पता चलता है कि कौन सी जीनोटाइप किस एनवायरमेंट के साथ पास ज्यादा पास है। जो जीनोटाइप जिस एनवायरमेंट के ज्यादा पास होगी, दैट मींस कि वो जीनोटाइप उस एनवायरमेंट में अच्छा परफॉर्म कर रही है। बाई प्लॉट एक्चुअली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि ये मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे दो चार्ट एक्चुअली इकट्ठे हैं। पहला जो है वो जीनोटाइप का है और दूसरा एनवायरमेंट का है। इसको इंशाल्लाह हम जब अगली क्लास के अंदर जब बाई प्लॉट एनालिसिस करेंगे इसका, तो इसको फिर हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये इसके अंदर ये जो बने हुए हैं चार पार्ट, इसके इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव है। तो इन सारे क्वाड्रेंट्स को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, किस एनवायरमेंट में कौन सी जीनोटाइप आई है उसका क्या मतलब है, किसी दूसरे एनवायरमेंट में चली गई है तो उसका क्या मतलब है, तो स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगी जीनोटाइप की, वो इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सो इसके अंदर